नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट। भारत कल न्यूजीलैंड के हाथों सीरीज हार गया और ऐसा लग नहीं रहा कि हम जो है कोई सीरीज हारे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी वर्ल्ड कप का फाइनल हारे। इस तरीके का दुख हो रहा है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 12 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत को अपने घर में किसी टीम ने हराया है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। और वो कोई और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी नहीं, वो न्यूजीलैंड है जिसको श्रीलंका ने अपने घर में 3-0 से हराया था। और जिस तरीके से हमारी बल्लेबाजी हुई, जिस तरीके से हमारी कप्तानी हुई, जिस तरीके से हमारा टीम कॉम्बिनेशन रहा, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने रिस्पॉन्ड किया, उसको लेकर फैंस में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब हार तो हो गई, अब हार को टाला नहीं जा सकता, पर हार के बाद जो हमारे कप्तान रोहित शर्मा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और विश्वास बात है कि उनसे सवाल पूछे जाएंगे और बहुत सारे सवाल पूछे गए जिसमें उन्होंने मोटा मोटा कुछ जवाब दिया कि हम हारे क्यों। पर ना उन्होंने विराट कोहली ना सुमन गिल बल्कि दो खिलाड़ियों का उन्होंने बचाव किया, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि उन्होंने हार के बाद क्या बताया। उन्होंने कहा कि हम हारे इसलिए क्योंकि हमने पहली इनिंग में बल्लेबाजी अच्छी नहीं करी एंड हमें एज अ टीम हम उस तरीके से खेल नहीं पाए। हमसे बेहतर क्रिकेट खेली न्यूजीलैंड की टीम ने, जो रटा रटाया एक जवाब होता है हर खिलाड़ी का, हर कप्तान का हारने के बाद, वी डिडंट प्ले वेल क्रिकेट, ये बोलते हैं। उन्होंने भी, रोहित शर्मा ने भी वही बोला, चलो ठीक है। उसके बाद सवाल जो थे वो सवाल उठे वॉशिंगटन जो है आपके रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को लेकर। अगर आप देखें तो उनकी गेंदबाजी जो है इस मैच में अगर देखा जाए, ना ही बेंगलुरु में ना ही पुणे में खासकर जहां पर इतनी मदद थी गेंदबाजों को, खासकर स्पिनर्स को, वहां पर अश्विन और जडेजा दोनों एक साथ फीके नजर आए। वहीं दूसरी तरफ मिचेल सेंटनर जो है उन्होंने अपनी गेंद से आग लगा दी और एक मैच में 13 विकेट ले गए, पर अश्विन और जडेजा उस तरीके के नहीं दिखे जिसके बाद रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया। और उन्होंने कहा कि देखो इन्होंने बहुत कुछ किया है, इन दो खिलाड़ियों ने भारत को कई सारे मैच जिताए हैं एंड हर खिलाड़ी का एक बुरा दिन आता है, बुरा मैच होता है और हम इसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रविंद्र जडेजा और अश्विन को हमें पता वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं और अपने दम पर भारत को कई सारे मैचेस जिताए, ये बात बिल्कुल सही है, इन दोनों ने बहुत कुछ किया भारतीय टीम के लिए। पर सवाल रविंद्र जडेजा अश्विन का नहीं है, सवाल हमारी बल्लेबाजी का है कि आखिर हमारे बल्लेबाज से रन क्यों नहीं बनते। और ये पहली बार नहीं है, हम कोई भी बड़ा मुकाबला हारते हैं तो अपनी बल्लेबाजी की वजह से हारते हैं, चाहे 2023 वर्ल्ड कप हो, 2019 हो, 2021 हो, आप कहीं भी उठाकर देखो हमारे गेंदबाजों ने ही हमेशा कमाल किया जो भी हम कुछ जीते हैं, बल्लेबाजों का उस तरीके से योगदान नहीं होता। रोहित शर्मा ने कहा कि हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत हमारी कमी है पर बदलाव की जरूरत नहीं है। पर रोहित शर्मा ने यह नहीं कहा कि उनके बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे, रोहित शर्मा भी तो फेल हुए स्पिनर्स वाले ट्रैक पर, वो तेज गेंदबाज के सामने आउट हो रहे। सो यशस्वी जायसवाल जहां पर रन बना रहे वहां से रोहित शर्मा से नहीं बन रहे। सो सवाल बहुत सारे हैं, पर रोहित शर्मा ने अश्विन और जडेजा का बचाव किया। मैं आपको एक बार जाते जाते अश्विन और जडेजा का रिकॉर्ड भी बता देता हूं। अश्विन और जडेजा ने जो है इसकी शुरुआत जो है 2011 में अश्विन ने किया था, 2012 में पहला टेस्ट जडेजा ने खेला था और घरेलू सरजमी पर एक साथ खेलते हुए 55 टेस्ट में 326 विकेट अश्विन के हैं, जबकि जडेजा ने 47 मैच में 225 विकेट लिए, बहुत अच्छे रिकॉर्ड है और घर पर बहुत सारे मैच जीता है। पर मेरा अभी भी जाते जाते एक ही सवाल है, देखो हार गए, हार से हमें परेशानी नहीं है, गेम है, हार जीत होती रहती है, पर जिस तरीके से हम हारे हैं ना, जो हमारा माइंडसेट नजर आए उसको लेकर मुझे परेशानी है और मुझे उसको लेकर डर है। कहां हम WTC फाइनल खेलने का ख्वाब देख रहे थे, आज उस पर खटाई पड़ते हुए नजर आ रही है। क्या हम जीत पाएंगे, क्योंकि अभी भी हमें हम वहां पर पहुंच पाएंगे, उसको लेकर डाउट आ चुका है, क्योंकि अब हमें बचे हुए 6 मुकाबले में 4 मुकाबले जीतने हैं, जिसमें से आपको 5 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं। आप जीत पाओगे, तो बहुत मुश्किल लग रहा है, पर होपफुली टीम इंडिया ने बहुत बार वापसी की है, भारतीय टीम बुरी नहीं है, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो वापस एग्जिट होंगे और भारतीय टीम का जो सपना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, WTC फाइनल, ये दोनों सपने को साकार करेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर। अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीतते तो आप देखना टीम इंडिया में बहुत सारे खिलाड़ियों का करियर भी खत्म हो जाएगा। आप इस हार को किस तरीके से देखते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।